लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सपाटा न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सपाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है। सलमान खान की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी। सलमान खान की जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब जज रविंद्र जोशी लंच के बाद यानी दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी फैसला सुना सकते हैं। सलमान की जमानत के लिए आज फिर बहस हुई, लेकिन जज रविंद्र जोशी के हाव भाव बता रहे थे जैसे वह जल्दबाजी में फैसला सुनाने के मूड में नहीं है। लेकिन सलमान के वकीलों ने जज रविंद्र जोशी से जिद की कि जो भी फैसला हो वह लंच के बाद सुना दें। दलीलें पूरी होने के बाद जज रविंद्र जोशी ने थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद ली और शांत बने रहे। उन्होंने अपनी पेन डेस्क पर रख दी। फिर वह थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि वह लंच के बाद फैसला सुना देंगे। बता दें कि बीती रात राजस्थान के 87 जजों का ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें रविंद्र कुमार जोशी भी शामिल हैं। रविंद्र कुमार जोशी का ट्रांसफ़र जोधपुर से सिरोही कर दिया गया है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि रविंद्र कुमार जोशी शनिवार को सलमान की जमानत पर सुनवाई करेंगे या फिर नहीं। हालांकि आमतौर पर यह देखा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में कभी भी ट्रांसफ़र के बाद जज किसी मामले में फैसला सुनाने से बचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह जज के स्वविवेक पर होता है। जज रविंद्र कुमार जोशी ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफ़र होने के बावजूद सलमान की जमानत पर सुनवाई जारी रखने और फैसला सुनाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि सलमान खान को 20 साल पुराने जोधपुर के कंकाड़ी में दो काले हिरण के शिकार मामले में CJM कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई है, जबकि वारदात वाले दिन सलमान के साथ रहे अन्य बॉलीवुड कलाकारों जैसे सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी और सोनाली बेंद्रे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।